नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर की नई और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते पर आ गई कोर्ट से ताज़ा खबर 17 अगस्त 2020 को। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि महंगाई भत्ते को लेकर 17 अगस्त 2020 को क्या ताज़ा खबर आई है। तो वीडियो को शुरू से लगा के अंत तक पूरा जरूर देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर छोटी से बड़ी खबर आपको हमेशा मिलती रहेगी। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि केंद्र की मोदी सरकार ने हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते को जुलाई 2021 तक फ्रीज कर दिया है। महंगाई भत्ता फ्रीज होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इसके विरोध में याचिका दायर की गई, लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में अभी तक महंगाई भत्ते को लेकर कोई सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में महंगाई भत्ते पर रोक लगाने के खिलाफ जो याचिका दायर की गई है उसमें एक बार सुनवाई हुई है। और दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीए पर रोक लगाना असंवैधानिक बताया था और केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा था। और दोस्तों, इस पर अगली सुनवाई 16 जुलाई को होनी थी लेकिन प्रशासनिक कारणों से वो सुनवाई नहीं हो सकी। इसके बाद में हाई कोर्ट ने इसकी अगली डेट दे दी, वो 17 अगस्त 2020 थी। लेकिन दोस्तों, हमारे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को और ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि 17 जुलाई 2020 को भी सुनवाई हाई कोर्ट में नहीं हुई है। तो दोस्तों, ये सुनवाई क्यों नहीं हुई इसके बारे में भी हम आपको बता दें कि देश भर में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अब अपने तीसरे चरण में है, लेकिन कोरोना महामारी का असर अभी भी कम नहीं हुआ है। और दोस्तों, महामारी के कारण देश भर में हर सेक्टर में भी असर पड़ रहा है, इसी के साथ साथ न्याय व्यवस्था भी ठप पड़ रही है। महामारी के प्रकोप के चलते उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई 3 दिन के लिए बंद कर दी गई है। यहाँ दोस्तों, जानकारी के अनुसार इलाहाबाद हाई कोर्ट 3 दिन के लिए बंद कर दी गई है। सोमवार 17 अगस्त से 19 अगस्त तक हाई कोर्ट बंद रहेगा। इसी दौरान कोर्ट में शारीरिक रूप से मुकदमों का दाखिला तक नहीं होगा। हालांकि कोर्ट में अति आवश्यक मामलों की सुनवाई हो सकेगी। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि महंगाई भत्ते पर भी 17 अगस्त 2020 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट को 17 अगस्त से 19 अगस्त तक बंद रखा गया है। ऐसे में दोस्तों, महंगाई भत्ते पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकेगी। ऐसे में दोस्तों, हमारे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब उनको और इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे कोई महंगाई भत्ते को लेकर या सुनवाई को लेकर कोई अपडेट आती है आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर मिल जाएगी। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। तो ये थी एक लेटेस्ट खबर, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।